जिसके ऊपर हमारा बिजनेस कैलकुलेट होता है, यानी कि इंसेंटिव की जो कैलकुलेशन है वो बीवी पर की जाती है, राइट? जी यस सर। अगला है जिसे हम बोलते हैं पीवी। yes, पीवी यानी कि प्रमोशन वॉल्यूम। इसका नाम अपने आप में संपूर्ण है दोस्तों। पीवी का मतलब है जिस पर आपकी प्रमोशन कैलकुलेट होती है। अब ये नया टर्म इसको ध्यान से देखिएगा, ये है आरसीडी। ये वो डिस्ट्रीब्यूटर है जिन्होंने अपना पर्सनल वॉल्यूम करके सीडी का प्रमोशन अचीव किया है। ये बात गौर करने वाली है, यानी हर वो डिस्ट्रीब्यूटर जो अपना खुद का पर्सनल वॉल्यूम करके सीडी बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? आरसीडी। वो पर्सनल वॉल्यूम क्या है और कितना है वो मैं अभी आपको क्लियर करूंगा। फर्स्ट परचेज कहलाएगी आरसीडी लेवल तक की परचेज, रीपरचेज कहलाएगी आरसीडी लेवल के बाद की परचेज। हाई बीवी का मतलब होता है वो प्रोडक्ट जिन पर आपको बीवी ज्यादा मिलता है, यानी कि इंसेंटिव ज्यादा मिलता है। लो बीवी यानी जिन पर आपका इंसेंटिव कम बनता है। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक हम लोग जो प्रमोशन का टर्म यूज करते आए हैं उसमें लॉजिक में थोड़ा सा बदलाव है। लीनियर का मतलब है ये वो प्रमोशन है जिसमें आपकी डाउनलाइन आपके लेवल पर नहीं होती। यानी कि मान लीजिए अगर मैं एक ऐसा ईडी बना जिसके नीचे कोई ईडी नहीं है, आज तक हम उसे कहते थे लीवरेज ईडी, लेकिन वो लीवरेज नहीं है, अब वो क्या कहलाएगा? लीनियर ईडी। क्लियर है सबको? जी सर। जी सर। यानी एक ऐसा एसडी जिसके नीचे कोई एसडी नहीं है वो क्या कहलाएगा? लीनियर। लीनियर। और उसकी अप्लाइड एसडी क्या कहलाएगी? लेवरेज। 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 क्लियर हो गया सबको? यस सर। चलिए।